Okay, let's talk about the reasoning question in St. Lawrence paper. Question number one है हमारे पास कि why the circulatory system of grasshopper is called open type. The grasshopper जो है ये आता है insects के अंदर, और insects के अंदर जो circulatory system होता है वो open type होता है. Open type circulatory system इसलिए कहते हैं because इसके अंदर जो blood है वो heart से निकल कर blood vessel से बाहर आ जाता है. ठीक है, यहाँ से blood vessel से बाहर आ जाता है और फिर ये tissues हैं यहाँ पे, ये इनके साथ directly communicate करता है और ब्लड जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है टिश्यूज़ के साथ, और वो मसलसल जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहता. दैट इज़ वाई इस सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप कहते हैं. उसके बाद फिर ये यहाँ से वेंस के अंदर जाता है और फिर दोबारा हार्ट के अंदर आ जाता है. हार्ट इसे फिर पम्प करता है, फिर ये टिश्यूज तक जाता है. तो चूंकि ये टिश्यूज से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है और मसलसल जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहता, दैट इज़ वाई इसे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. वाई पैरासाइटिक वर्म लैक डाइजेस्टिव सिस्टम. तो पैरासाइटिक वर्म जो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं और बॉडी के अंदर जो है वो उन्हें डाइजेस्टेड फूड मिलती है. तो चूंकि उन्हें डाइजेस्टेड फूड मिलती है, उन्हें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. दैट इज़ वाई उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या तो वो रूडिमेंट्री होता है, समझ लें कि बेकार सा होता है, या फिर उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली प्री डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. वाई बर्ड्स आर नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. तो बर्ड्स जो हैं उनकी बॉडी को अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी हद तक फीचर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स वाले होते हैं. फ़र्क ये आता है कि जो बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं और वो जो है वो प्रीटी होते हैं, वो प्यारे होते हैं. दैट इज़ वाई इन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है. तो आपने आर्क्योटेरिक्स देखा है, आर्क्योटेरिक्स जो है उसके अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स और कुछ फीचर्स बर्ड वाले हैं. तो ये कंसिडर यही किया जाता है कि जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से, और चूँकि ये रेप्टाइल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं तो इन्हें इसी वजह से ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है. वाई मोल्टिंग इज़ नेसेसरी इन आर्थ्रोपोड्स. तो मोल्टिंग वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो अपना एग्जोस्केलेटन पुराना उतार के फेंकते हैं और नया बनाते हैं. तो ये नेसेसरी इसलिए क्योंकि एग्जोस्केलेटन जो होता है वो नॉन लिविंग इन नेचर होता है और एनिमल जो है वो मसलसल ग्रो कर रहा है लेकिन एग्जोस्केलेटन जो है उसके साथ साथ ग्रो नहीं करता. तो जब एग्जोस्केलेटन जब एनिमल जो है वो उसकी ग्रोथ हो जाती है और जो एग्जोस्केलेटन है वो उसकी ग्रोथ को रोकने लगता है तो वो पुराना एग्जोस्केलेटन हटा देते हैं और वो नया स्केलेटन बनाते हैं ताकि वो कंटिन्यूसली ग्रो कर सकें. वाई द ब्लड ऑफ द इंसेक्ट इज़ कलरलेस. क्योंकि इंसेक्ट के ब्लड के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, दैट इज़ वाई उनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है. तो जब हीमोग्लोबिन नहीं होता तो जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के जरिए नहीं होती. जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है उसके लिए इनके पास एक तरह का सिस्टम होता है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम का नाम देते हैं, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं. वाई आर ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑल्सो नोन एज सेरेब्रोसाइड. तो ग्लाइकोलिपिड जो है एक तरह के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ लिपिड होता है. तो लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई होती है. ग्लाइकोलिपिड्स को सेरेब्रोसाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि सेरेब्रम का मतलब है ब्रेन. तो ये ब्रेन के अंदर ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, वहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइडर के तौर पर भी काम आते हैं और सेलुलर मार्कर के तौर पर भी काम आते हैं. जिस तरह किसी भी मुल्क के लिए एक झंडा होता है उसकी निशानी, तो ये सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं और सेल की आइडेंटिफिकेशन के अंदर या रिकग्निशन के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.